हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की मसालेदार गॉसिप्स, जिसमें हम आपको बताएंगे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स लाइब्रेरी ने फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा अपने अनोखे कॉन्सेप्ट के कारण दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस ने स्थायी कोर संग्रह के लिए एक लड़की की पटकथा की कॉपी के लिए अनुरोध किया है। कोर संग्रह के कंटेंट केवल पुस्तकालय के वाचनालय में अध्ययन के लिए उपलब्ध कराई जाती है। स्क्रिप्ट कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती है और नकल की सख्त मनाही होती है। यह स्वतंत्र रूप से सभी के लिए उपलब्ध एक शोध पुस्तकालय है, जैसे कि छात्र, फिल्म निर्माता और लेखकों के साथ साथ सामान्य हित रखने वाला हर शख्स यहां आ सकता है। इससे पहले वीवीसी फिल्म्स ने उन्हें अपने पुस्तकालय के लिए ब्रोकन हॉर्सेस और संजू स्क्रिप्ट की प्रतियां भेजी थी। फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के साथ बाप बेटी की जोड़ी अनिल कपूर सोनम कपूर पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म के असामान्य और अनोखी पटकथा ने इस बार इस जोड़ी को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिल्म में अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव और जूही चावला जैसे दमदार कलाकारों की टोली नजर आएगी। फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि कहानी भारत में विचित्र बातचीत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। LGBTQ समुदाय का प्रतिनिधित्व गैर दिलचस्प मुद्दा रहा है और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के साथ यह एक महान अवधारणा और सबक होगा जो सभी माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी द्वारा निर्मित है। शैली चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1 फरवरी 2019 को देश भर में रिलीज हो चुकी है। तो देखा आपने, थी ना मजेदार स्टोरी। ऐसे ही फिल्मी स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की तमाम खबरों से अपडेट।